हेलो पंचालोक, वेलकम टू डेटा टू इन्फो। तो आज के लेक्चर में अपन देखेंगे डोनट चार्ट। आगे बढ़ने से पहले ये अपन की वेबसाइट है डेटा टू इन्फो लैब्स डॉट कॉम, यहाँ अपन आर्टिकल्स लिखते हैं या तो विजिट करने का। ठीक है, वापस आते हैं पावर बीआई में। तो डोनट चार्ट दिखता कैसा है? डोनट चार्ट एक पाई चार्ट की तरह ही दिखता है, बट बीच में उसका होल होता है, मतलब जगह खाली होती है, मेंदू वड़ा की तरह, ऐसा समझ लो, मेंदू वड़ा समझ लो या फिर डोनट समझ लो। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बहुत जल्दी से। डोनट चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट, इट्स अ टाइप ऑफ पाई चार्ट दैट फीचर्स अ होल इन द सेंटर, जैसे मैंने बताया था, बराबर। सिमिलर टू अ डोनट चार्ट दैट शोज अ रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स टू होल। तो ये याद रखने वाली बात है ना, ये रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का, उस पार्ट्स को सेगमेंट भी कहते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, डोनट चार्ट प्रेजेंट कैटेगरीज इन द फॉर्म ऑफ आर्क्स, आर्क्स मतलब सेगमेंट्स हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्लाइसेस। अब पाई चार्ट में वो स्लाइसेस होता था, हर एक पार्ट, हर एक इंडिविजुअल पार्ट क्या होता था, हर एक इंडिविजुअल डिस्टिंक पार्ट स्लाइसेस हम कहते थे उसको। बट यहाँ पे क्या कहेंगे हम, उसको आर्क कह लो या फिर सेगमेंट कह लो, डोनट चार्ट में उसको सेगमेंट कह लो। ठीक है, तो चलो पहले सिलेक्ट कर लेते, ये रहा अपना डोनट चार्ट विजुअलाइजेशन में, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते बीच में, बोले तो अच्छा दिखना चाहिए ये, सही है। तो उसके फील्ड्स देखो, हमेशा उसके फील्ड्स देखो क्या कहता है। हमारे पास है लेजेंड्स, बहुत बढ़िया, हमारे पास है वैल्यूज, बहुत बढ़िया। तो यही दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फिलहाल, ये डिटेल्स भी है भाई, बाद में बताऊंगा। लेजेंड्स और वैल्यूज ये याद रखना, वैल्यूज हमेशा हमेशा न्यूमेरिकल होगी, लेजेंड्स वो कैटेगरिकल वैल्यूज होगी, है ना। जैसे हमारी हमारे पास सैंपल सुपर स्टोर का डेटा है यूएस का, इसमें कैटेगरी है, उस कैटेगरीज में तीन तरह की कैटेगरीज है ना, टेक्नोलॉजी है, ऑफिस सप्लाईज है, फर्नीचर है, या फिर जैसे ये क्या हो गया, रीजन हो गया, हमारे पास रीजन है, सेंट्रल है, ईस्ट है, वेस्ट है, साउथ है। तो इस तरह के कैटेगरीज हम लेजेंड्स में दे सकते हैं, तो जल्दी से दे देते हैं और देखते हैं। पर लेजेंड्स में कैटेगरीज देखते हैं हम, रीजन में डिस्टिंक्ट कैटेगरीज है, ठीक है, तो रीजन दे देते हैं। वैल्यूज में क्या देंगे, वैल्यूज में हमेशा की तरह सेल्स देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू। तब ये क्या बता रहा है, हमेशा इसका टाइटल पढ़ो, सेल्स बाय रीजन, है सम ऑफ सेल्स बाय रीजन। तो ये क्या इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ये सेल्स की इंफॉर्मेशन शो कर रहा है बाय रीजन, है ना। ठीक है, तो ये दिखता तो मेंदू वड़े जैसा है, मतलब दिखता तो पाई चार्ट की तरह ही है, पर बीच में जगह खाली है। तो इसको कहते हैं, इसको रीड कैसे करने का, हर एक छोटी छोटी चीजें वो देख लेते हैं इसकी पहले। तो हर एक जो पार्ट है, इसमें चार रीजन है हमारे, है ना, देखो लेजेंड्स देखो, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, साउथ। तो उसको अलग अलग कलर से हमने शो करा है, वो इंफॉर्मेशन अलग अलग कलर से शो करा है, जिसपे आप होवर करोगे कर्सर तो आपको टूल टिप में इंफॉर्मेशन दे देगा कि ये वेस्ट है, उसका सेल्स इतना है, इसमें परसेंट में है, करेक्ट। ठीक है, तो हर एक पार्ट को हम सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो चार सेगमेंट हो गए, तो ये रिंग जैसा भी दिखता है। ठीक है, तो आउटर रिंग और इनर रिंग, ऐसे दो रिंग मिला के ये एक सेगमेंट बनता है, ऐसा समझ लो। तो रिंग कह लो या फिर आर्क कह लो, जो ऊपर वाली चीज है उसको आर्क कहेंगे, तो उसको आउटर आर्क और ये अंदर वाले को इनर आर्क, ऐसा बोल लो, है ना, सही बात है। तो मोस्टली आउटर आर्क में तुम्हें लेबल मिलेगा और ये वैल्यू शो मिलेगी, है ना, तुम इनर आर्क में भी दे सकते हो। अब देखो, तुम्हें फ्यूचर में ऐसे भी डोनट चार्ट देखने को मिलेंगे जिसमें डोनट चार्ट के अंदर एक डोनट चार्ट है, मेंदू वड़ा के अंदर एक और मेंदू वड़ा। ठीक है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन शो करने के लिए होता है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम सिंपल रखते हैं इसको समझने के लिए, है ना। तो ये तो हो गया, ये आर्क हो गया, ये सेगमेंट हो गया, इनर आर्क हो गया, है ना। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे करने का जो तरीका है वो पाई चार्ट की तरह ही है, है ना। लेजेंड्स होंगे और वैल्यूज होगी, हम इसको फॉर्मेट करते हैं, चलो फॉर्मेट करते हैं, फिलहाल इसको मैं फोकस मोड पे डाल लेता हूँ फटाक से, इसको फॉर्मेट मारते हैं। अभी फॉर्मेट का ऑप्शन है अपने पास, लेजेंड्स को देखते हैं। लेजेंड्स में हम लेजेंड्स को ऑफ भी कर सकते हैं अगर चाहिए, नहीं चाहिए तो जाने देते हैं, लेजेंड्स नहीं चाहिए अपन को फिलहाल। स्लाइसेस देखते हैं, स्लाइसेस में क्या है भाई, स्लाइसेस में हमारे जो चार कैटेगरीज है ना उसके कलर से हम कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एक मस्त ऑप्शन है स्पेसिंग का, स्पेसिंग देखो, ये अंदर का जो मेंदू वड़े का होल है ना, इसकी रेडियस तुम कम ज्यादा कर सकते हो, कैसे। अब 60 है तो मैं इसको थोड़ा कम करता हूं, देखो
तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। जो भी तुमको अप्रोप्रिएट लगे तुम उस तरह की रेडियस दे सकते हो, पर मोस्टली जो रिकमेंडेड होता है वो 50 to 60 तक का ही होता है। तो मैं तो एडवाइस करूंगा 50 to 60 तक ही रखो, ये स्पेसिंग होगा इनर रेडियस का, है ना। दूसरा क्या आता है नीचे भाई, नीचे आता है डेटा लेबल्स। डेटा लेबल्स देखो, डेटा लेबल्स आउटर रिंग पे, आउटर आर्क पे दिखाई दे रहा है। तो इसको ना मैं आउटसाइड है तो मैं इसको इनसाइड भी कर सकता हूँ। देखो इस तरह से पोजीशन उसकी इनसाइड भी कर सकता हूँ, ये भी अच्छा लगता है ना। अब एक और बड़ी चीज है बोले तो वो याद रखना कि जैसे मैंने पाई चार्ट के लिए बोला था कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैटेगरीज जो आप पाई चार्ट में शो करोगे वो 5 या 5 से कम या 6 से 6 से कम रखो। तो इस तरह से ही डोनट चार्ट का भी है, 5 या 6 रखो या उससे कम, उससे ज्यादा मत कर लेना, है ना, या इसी का 7 तक मैक्सिमम, बट उससे ज्यादा मत कर लेना क्योंकि वो ओवरक्राउडेड लगेगा, ऐसा लगेगा भीड़ होगी पूरी, तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बताता हूँ क्यों अच्छा नहीं लगेगा बाद में, क्योंकि हम पहले वापस आते हैं यहाँ पे बिल्ड विजुअल्स में। अब रीजन्स में मैंने रीजन्स हमारे पास 4 ही थे, 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज थी, तो अच्छा दिख रहा है। अगर रीजन्स की जगह हम कुछ और डालेंगे, जैसे सिटी डालेंगे, सिटी में तो बहुत सारी सिटीज है, मोर देन 50, 60, 100 सिटीज होगी, तो देखो कितना क्राउडेड लगेगा। तो इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं। तो इस तरह की गलती नहीं करने का, ये रूल याद रखो, पाई चार्ट हो या फिर क्या कहते उसको डोनट चार्ट हो, 5 to 6 मैक्सिमम डिस्टिंक्ट वैल्यूज रखना कैटेगरीज की जो लेजेंड्स में आएगी, और वैल्यूज में न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी जो आपको शो करनी है उस कैटेगरीज के लिए, बराबर। हम वापस फॉर्मेट में जाते हैं, बचे हुए फॉर्मेट देख लेते हैं क्या क्या था। हाँ तो ये इनसाइड पोजीशन हो गया, मैं फिर से उसका आउटसाइड कर देता हूँ। इसकी वैल्यूज देखो, सॉरी पहले डेटा कंटेंट देखो, लेबल कंटेंट अभी क्या शो हो रहा है, डेटा शो हो रहा है, उसका परसेंटाइल शो हो रहा है एज अ होल। तो मैं पूरी वैल्यू दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि उस कैटेगरी का नाम भी हो, डिस्टिंक्ट कैटेगरी वैल्यूज का नाम भी हो, टेक्नोलॉजी ऑफिस जो भी होता है, मतलब या तो हमारे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है शायद, जो भी है। तो ऑल डिटेल्स लेबल्स इस पर क्लिक करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर वेस्ट दिखाई दे रहा है, साउथ दिखाई दे रहा है, सेंट्रल, ईस्ट, तो जो नाम है कैटेगरी का डिस्टिंक्ट तो वो भी दिखाई दे रहा है। अब उसके वैल्यूज पे जाते हैं फॉर्मेट पे और थोड़ा उसका साइज बढ़ाते हैं ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। हाँ अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बोले तो, थोड़ा ब्लैक कर देते हैं तो अच्छे से दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है ना। डिस्प्ले यूनिट देखो वो ऑटो है फिलहाल, तुम नन भी कर सकते हो, 1000 में भी कर सकते हो, तो ये 1000 किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। अगर तुम नन करोगे तो एक्चुअल वैल्यूज दिखाएगा, पर हमें एक्चुअल वैल्यूज नहीं चाहिए, हमको ऑटो में चाहिए, तो ऑटो में रख लेते हैं, वो ऑटो में डायरेक्टली 1000 के रूप में दिखा रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो इस तरह से तुम उसके साथ खेल सकते हो डेटा लेबल्स, है ना। रोटेशन तो कुछ फिलहाल कुछ काम का नहीं है, जनरल भी तुम जाके हाथ साफ कर सकते हो, वो सेंटर में लेके आओ उस टाइटल को वगैरह वगैरह और खेलो इसके साथ। तो ये तो हो गया डोनट चार्ट, कुछ ज्यादा माथा पट्टी करने का ऐसा कुछ है नहीं, बोले तो बहुत ही सिंपल है, पाई चार्ट की तरह है ना। तो बस ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हमेशा की तरह गुगू गागा। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूं, पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और काला।